फैजाबाद दौरे पर अखिलेश यादव ने पूर्व एलसी के पिता को दी श्रद्धांजलि, उदय वीर सिंह के परिजनों से भी की मुलाकात। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश पर दिया बड़ा बयान, कहा दोबारा जन्म लेने पर भी नहीं कर सकते भाजपा का सामना, लफाजी भरे बयान देते हैं अखिलेश। उछाल देते हैं उससे उनकी खुद का अपमान, उनकी गरिमा कितनी करती है। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे, इसके लिए जो है ना कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे, मुझे हार्ड बोलना पड़ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से किया संवाद, कहा इरादा नेक हो तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं, हम नए विचारों के प्रयासों के लिए तैयार। पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम और इमरजेंसी का जिक्र किया, कहा इमरजेंसी इतिहास का काला अध्याय, लोकतंत्र के रखवालों को दी गई है यातनाएं। पीएम ने जल संरक्षण पर काम कर रहे बांदा और हापुड़ के लोगों की जमकर की तारीफ, टीवी से लड़ने में मददगार नैनीताल के दीगर सिंह मेवाड़ी की भी पीएम ने की चर्चा। लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी मन की बात, पीएम ने अपने सरकारी आवास पीएम के मन की बात कार्यक्रम को टीवी पर सुना। यूपी सरकार की तबादला नीति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेसिक स्कूलों में तबादला नीति को हाईकोर्ट ने वैध करार दिया, कोर्ट ने कहा कि अध्यापक अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज, विजिलेंस विभाग ने आय से ज्यादा संपत्ति का केस किया दर्ज। कानपुर में नगर निगम और सपा विधायक के बीच तल्खी जारी, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने स्विमिंग पूल शुरू ना होने पर लगाए पोस्टर, लिखा बेशर्म बेहया निर्लज कौन, लोकार्पण के बाद अब तक शुरू नहीं हो पाई है स्विमिंग पूल। संजीव जीवा हत्याकांड मामले में आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा, शूटर विजय यादव को हत्या के लिए एडवांस में मिले थे 5 लाख रुपए, अनजान शख्स ने लखनऊ में विजय को दी रिवॉल्वर। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई, 438 बीघा जमीन मुनादी कराकर की गई थी कुर्की, कार्रवाई को के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रही। कौशाम्बी में मछली पालन के लिए खोदे गए तालाब में डूबी दो बच्चियां, एक बच्ची को ग्रामीणों ने बचा लिया, दूसरी बच्ची की डूबकर मौत हो गई, परिवार में मचा कोहराम, कौशाम्बी थाना क्षेत्र के दुल्हनियापुर गांव का मामला। सीतापुर में गिट्टी लदा डंपर अनियंत्रित होकर रोड पार करके मंदिर के दीवार से टकराया, हादसे में एक बाइक में लगी आग और एक युवक हादसे में घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिरोजाबाद में माधव रेडियो की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, हाई टेंशन तार के टूटने की वजह से आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, थाना शिकोहाबाद का मामला। बिजनौर में एसबीआई बैंक में आग लगने से कीमती सामान जलकर हुआ खाक, आग लगने के कारणों की जांच जारी, थाना चांदपुर के रामलीला रोड की घटना। कानपुर में करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, पानी भरने के दौरान करंट की चपेट में आया बुजुर्ग, सजेती थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की घटना। शाहजहांपुर पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए की अफीम के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया, तस्करों के पास से भारी मात्रा में कैश, बाइक और मोबाइल बरामद। लखनऊ के गोमती नगर में 12वीं के छात्र की चाकू से गोद कर की गई हत्या, दोस्त के घर पार्टी करने के लिए आया था आकाश, पैसे के विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। कुशीनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, मौत के कारणों का नहीं चल पाया पता, सेव रही थाना क्षेत्र के सुमही संतपट्टी गांव का मामला। बरेली में ससुराल वालों ने महिला और उसके 4 बच्चों को घर से निकाला, दहेज के लिए मारपीट का आरोप, 5 लाख रुपए और कार मांगने का आरोप, भुत्ता थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा के बिलना गांव में एक महिला ने घर के बाहर लगाए पलायन के पोस्टर, गांव के कुछ लोगों पर छेड़छाड़ और दबंगई करने का आरोप, पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, इस मामले में पुलिस ने शाहिबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर से 9 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें से 2 महिला 7 पुरुष शामिल है और आपत्तिजनक सामान भी काफी बड़ी संख्या में बरामद किए गए। गाजियाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने 95 पेटी आम की लूटी, पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी।
श्रीनगर में नेपाल के रहने वाले राजमन उर्फ राजू चौहान के साथ पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से राजमन उर्फ राजू चौहान घायल। महाराजगंज के थाना राजू चौहान पर दर्ज है कई मुकदमे। कानपुर में बिजली चोरी और सेना चोरी करने वालों पर FIR। ड्रोन की निगरानी से घबराए कटियाबाजों ने ड्रोन तोड़ने की कोशिश की थी और दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जालौन में 3 अंतरराज्यीय शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों रुपए कीमत की 351 अंग्रेजी शराब की पेटियां पुलिस ने बरामद की। MP बॉर्डर के पास कैलिया थाना क्षेत्र से हुई अभियुक्तों की गिरफ्तारी। बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर की बड़ी मुश्किलें और अनवर फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। अमेठी में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। कार्यक्रम में भाजपा विधायक और पदाधिकारी रहे मौजूद। आगरा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की और कहा अखिलेश यादव सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और मुगल म्यूजियम में दरारें पड़ी हुई हैं जिसकी एक बार फिर जांच होगी। जांच में दोषी पाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में ध्येय फाउंडेशन की तरफ से ध्येय समाज उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। उन्नाव में जिला सरकारी बैंक में अध्यक्ष पद के लिए हुए नामांकन। 22 जून को होना है जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष पद का चुनाव। हर समिति से 6 सदस्य करेंगे मतदान। मऊ में बापू मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम की सभा में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने बस्ती में सुनी पीएम के मन की बात। इस दौरान मंत्री ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परत लगाए जाने के मामले पर दिया बयान। कहा पूरे मामले की जांच कराएगी सरकार। कोटद्वार नगर में हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक ऋतु खंडूरी के खिलाफ की नारेबाजी। कहा आए दिन बिजली कटौती से आम जनता परेशान। उत्तराखंड में भी गेमिंग ऐप के जरिए चल रहा है धर्मांतरण का खेल। देहरादून के डोईवाला में जुड़ा गेमिंग ऐप के साजिश का कनेक्शन। गेमिंग ऐप के जरिए एक युवक को गुमराह करने की साजिश का खुलासा। उत्तराखंड में बाघों की हो रही मौतों की वजह से विभाग पर उठने लगे सवाल। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए मामले की बैठाई जांच। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। हरिद्वार में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन पर होने वाली महापंचायत कैंसिल। बारिश के चलते किसान नेताओं ने लिया महापंचायत को कैंसिल कराने का फैसला। महापंचायत को संबोधित करने आए थे BKU के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। पौड़ी में सरकारी कार्यक्रम में नदारद रहे उप शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापिका पर गिरी गाज। मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने BEO का वेतन रोकने के साथ ही प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड। रामनगर पहुंचने पर सांसद तीरथ सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सांसद ने कई कार्यक्रमों में की शिरकत। पीएम के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। देहरादून में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए सीएम धामी। श्रमदान कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान का किया आयोजन। स्वच्छता कार्यक्रम में सीएम धामी को किया गया सम्मानित। सीएम को सम्मान में दिया गया खूबसूरत पौधा। स्वच्छता अभियान में सीएम धामी ने सड़क पर लगाई झाड़ू। गांधी पार्क से पंडित दीनदयाल पार्क तक सफाई की। इस दौरान सीएम धामी ने गांधी जी की प्रतिमा को साफ किया। इसके बाद पंडित दीनदयाल और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को भी साफ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। सीएम ने कहा हमारा संकल्प है कूड़ा कहीं भी दिखे उसे साफ करें। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम में पेश किया गया नुक्कड़ नाटक। सीएम धामी ने नुक्कड़ नाटक को देखकर उसकी तारीफ भी की। सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा सिर्फ सरकार के प्रयास से स्वच्छता संभव नहीं। आम लोगों की भागीदारी से स्वच्छ होगा प्रदेश। संकल्प होना चाहिए कि कहीं भी हमको कूड़ा ना दिखाई दे। कहीं पर भी अगर इस प्रकार की जागरूकता करने की बात हो तो जरूर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उत्तराखंड को हम लोग एक ऐसा आदर्श एवं एक ऐसा मॉडल बनाएं कि पूरे विश्व के लोग पूरे भारतवर्ष के लोग
जो भी उत्तराखंड आए वो कहें कि उत्तराखंड में स्वच्छता बहुत अच्छी है। प्रयाग में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया जा रहा है स्वच्छता का संदेश। हाईकोर्ट के आदेश पर विभिन्न विभागों और नगर पालिका की ओर से चलाया जा रहा है ये सफाई अभियान। काशीपुर में कई जगहों पर चलाया गया जागरूकता और स्वच्छता अभियान। कोर्ट परिसर में एडीजे रितेश श्रीवास्तव ने दिलाई लोगों को स्वच्छता की शपथ। हल्द्वानी शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अल्मोड़ा में भी चलाया गया स्वच्छता अभियान। अभियान में जिला जज कौशल किशोर, जिला प्रशासन, नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। जिला जज कौशल किशोर शुक्ला ने स्वच्छता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने हाईकोर्ट परिसर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय काम करने वालों को किया सम्मान। उत्तरकाशी में जिला जज गुरबख्श सिंह ने की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। जिला न्यायालय परिसर से अभियान से जुड़े जनसमूह को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। उत्तरकाशी में मुख्यालय समेत गंगोत्री धाम में हुई झमाझम बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। जंगलों में लगी आग को लेकर वन विभाग ने ली राहत की सांस। हल्द्वानी में आसमान में छाए बादल, हल्की बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिली राहत, तापमान में गिरावट। चंपावत के सुप्रसिद्ध मां पुनर्गिरी धाम के मुख्य मंदिर का 100 मीटर का क्षेत्र जीरो जोन घोषित। एसडीएम ने आदेश किए जारी। अब इस क्षेत्र में सिर्फ पूजा अर्चना और धार्मिक गतिविधियों ही होगी। लखनऊ में टाटा मोटर ने लॉन्च की न्यू ईवी कार। कार को नए कलर के साथ किया लॉन्च। कार में म्यूजिक सिस्टम के डिस्प्ले को एचडी क्वालिटी का भी लॉन्च किया। बलिया में हीट स्ट्रोक से मौत के मामले पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर सीएससी के अधीक्षक हटाए गए। हालात पर सरकार की नजर। सभी सरकारी अस्पतालों में इंतजाम पूरे। कन्नौज में सपा कार्यकर्ताओं ने फिल्म आदि पुरुष का किया विरोध। फिल्म के कई डायलॉग पर जताई आपत्ति। सदर कोतवाली में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर किए प्रदर्शन। कानपुर में फिल्म आदि पुरुष का विरोध। सपा कार्यकर्ताओं ने फिल्म के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ दी तहरीर। फिल्म के कई डायलॉग्स का हो रहा है विरोध। फिल्म को बैन करने की मांग। हरिद्वार में साधु संतों ने फिल्म आदि पुरुष का किया विरोध। फिल्म पर बैन लगाने की उठाई मांग। कहा फिल्म के जरिए हिंदू धर्म के खिलाफ रचा गया है षड्यंत्र। बाराबंकी जिले में बिजली कटौती से परेशान किसान नेताओं ने की बैठक। बिजली दफ्तरों के घेराव का किया ऐलान। बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाते हुए उच्च अधिकारियों को दिया। गाजीपुर की जिला जेल में योग शिविर का आयोजन। जेल में बंद 175 कैदियों ने योग शिविर में योग किया। कैदियों को योग प्रशिक्षण भी दिया गया। आषाढ़ी अमावस्या पर चित्रकूट में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भगवान रामक में पूजा अर्चना कर प्रक्रिया। दिल्ली के आरकेपुरम में दो महिलाओं की गोली मारकर हत्या। दो आरोपी गिरफ्तार। महिला सुरक्षा पर फिर से उठे सवाल। केजरीवाल ने एलजी पर साधा निशान। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में लगी आग से हड़कंप। कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड को लोगों ने आग पर पाया काबू। और आग कैसे लगी फिलहाल अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।